दिग्विजय चौटाला ने भाजपा सांसद राजकुमार सैनी को बताया राक्षस, कहा नहीं होनी चाहिए ऐसे आदमी की चर्चा। दिग्विजय का आरोप, 30 आदमियों के खून से रंगे हैं सैनी के हाथ, सत्ता में आते ही करेंगे कानूनी कार्यवाही। कांग्रेस को भी दी नसीहत, सत्ता हासिल करनी है तो करें नेतृत्व परिवर्तन। युवा इनेलो नेता और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आज जमकर निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला रोहतक के गांव खडवाली में 25 सितंबर को होने वाली भिवानी रैली का न्योता देने के लिए पहुंचे थे। दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी में सीएम पद के 16 नेता दावेदार हैं, अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होगा बल्कि कांग्रेस में राहुल गांधी को बदलना चाहिए। अगर कांग्रेस की जो बाहर छवि लोगों के अंदर है वो यही है कि इनके 16 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और अगर एक आगे बढ़ेगा या जनता किसी को आगे बढ़ाएगी तो दूसरा उसका कुर्ता अपने आप पीछे खींच लेगा। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो और जिस पार्टी के अंदर 16 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों उसकी कभी सरकार नहीं बन सकती। तो कांग्रेस का जमाना जालिया, कांग्रेस को अगर सत्ता में वापस आना है तो कांग्रेस को अपने अंदर सबसे पहले अपनी लीडरशिप को चेंज करना पड़ेगा, अपने नेता को बदलना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस जो है अगर आज ये सोचे कि वो अध्यक्ष बदल कर या अध्यक्ष किसी को बनाकर उससे कोई फर्क पड़ जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा नई पार्टी बनाए जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीबीआई के डर के कारण बीजेपी नेताओं के सामने नतमस्तक होकर अपनी पगड़ी रख चुके हैं। राजी पर एक दबाव है, वो सीबीआई का, वो जो सीबीआई से डरे और सीबीआई से जो ये 3 दिन के लिए ये क्या नाम था अमित शाह जो है वो रोहतक में आए तो लोग इस बात की, मीडिया के लोग भी चर्चा कर रहे थे कि भाई किस पार्टी का टूटेगा। कोई कहते थे कि 2 MLA 3 MLA लोकदल के जाएंगे, सच्चाई ये थी कि उनने यहाँ आकर जो है हुड्डा को बुलाकर ये कहा कि अगर तुम पार्टी अलग नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हारे पे केस डालकर तुम्हें जैसे चौटाला साहब अंदर हैं उसी प्रकार अंदर डालने का काम ये सरकार करेगी। तो हुड्डा साहब ने सरेंडर किया, वो नरेंद्र मोदी से मिले, और मैं कोई राजनीतिक ज्योतिष और पंडित तो नहीं हूँ पर इतना ज्ञान मुझे है कि वो अपनी पार्टी अगले साल मिड में बना लेंगे और फिर उनकी कोई इक्का दुक्का 4 सीट जो आऊँगी वो ये जो उनको लगता है कि वो आएंगी, हमें तो नहीं लगता वो आएंगी कुछ उनकी सीट अगर अलग पार्टी बनी, पर फिर भी कोई 2-4 अगर आ गई तो वो ये सोचे हैं कि गैर जाट के नाम पे तो बीजेपी राजनीति करे और जाट के नाम पे 1-2 सीट लेके ये बीजेपी का साथ देके उसमें कोई मंत्री बन जाए और इन सीबीआई केसेस से अपना पीछा छुड़वा लें। मजबूत आदमी की पहचान, जो कुलदीप शर्मा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के वो कहते थे कि हुड्डा जी तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर वो हुआ करता है जो लड़ाई लड़ा करता है, जो घुटने ही टेक दे, जो जनता की दी हुई जो सर्वोपरि चीज पगड़ी है उसी को किसी गुजराती के चरणों में जाके रख देगा तो कैसे काम चलेगा। दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को राक्षस करार दिया। चौटाला ने कहा, राजकुमार सैनी जैसे कई नेता समाज के भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो प्रदेश में भाईचारे को बिगाड़ते हैं वह इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। सैनी पे कोई बात चर्चा नहीं होनी चाहिए, ना तो यहाँ होनी चाहिए ना कहीं और होनी चाहिए। आपने उसको राजकुमार सैनी को हवा बना रखा है। राजकुमार सैनी समाज को डिवाइड करने वाला, समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति को अगर देश का चौथा स्तंभ यानी मीडिया ही उसके बारे में चर्चा करेगी तो ये फिर दुर्भाग्य है। इसके उस ऐसे व्यक्ति के जो राक्षस का रूप उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। उसके हम बनाने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग। वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और ये भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल डट के पीछे खड़ी है। अगर आपको ये लगता हो कि इसके साथ नहीं, बीजेपी के इशारे पर राजकुमार सैनी जो कर रहा है वो कर रहा है। आने वाले समय में अगर हम सत्ता में आएंगे ऐसे व्यक्ति के साथ कानूनी कार्रवाई कराकर उसको न्याय दिलवाएंगे। ऐसे व्यक्ति ने जो समाज को तोड़ा, लाख जो हमारे लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ और 33 लोगों की जान गई, उसमें सबसे ज़्यादा खून में अगर हाथ किसी के रंगे हैं तो वो राजकुमार सैनी के।